अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रौफ। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में मौजूद। वज़ीर आज़म 23 सितंबर को अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के बाइस दरपेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ देंगे। सैलाब मुतासरीन की गालियां सुनकर नहीं, इलेक्शन की खबर पर गुस्सा आता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सैलाब की सूरत हाल में इलेक्शन की खबर सुनने का वक्त ही नहीं। टीवी पर इलेक्शन की खबर आए तो मैं चैनल बदल देता हूं। इमरान खान की कॉल पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुतासरीन सैलाब के लिए दिल खोल कर अतियात दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक की आवाज़ हैं, सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा एंजेलिना जोली एक बार फिर पाकिस्तान आएंगी। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के मुताबिक एंजेलिना जोली मुतासरा इलाकों का दौरा करके सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी, पाकिस्तान कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 53वें नंबर पर। मस्बत केसेस की शरह 0.52% रिकॉर्ड, मरीजों की मजमूई तादाद 15,71,936 हो चुकी। और पाक इंग्लैंड टी20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। मैच इंटरनेशनल स्टेडियम कराची में शाम 7:30 बजे होगा। इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर इंजरी के बाद इस मैच में शिरकत नहीं करेंगे, उनकी जगह मुईन अली इंग्लिश टीम की क्यादत करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।